आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1 का जो इम्प्रूव वेरिएंट बनाया जा रहा है इसको तेजस मार्क 1A कहा जाएगा। और तेजस मार्क 1A बहुत सारे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के अलावा 5 मेजर इम्प्रूवमेंट्स के साथ में आएगा। वैसे इनिशियल प्लान के हिसाब से इसमें 6 बड़े इम्प्रूवमेंट होने थे, लेकिन इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब तेजस मार्क 1A FOC में ही ऐड कर दिया गया था, और इसी वजह से तेजस मार्क 1A में अब 5 मेजर इम्प्रूवमेंट्स होंगे। वैसे अपडेट ये है कि LCA तेजस मार्क 1A में जाने वाले सारे चेंजेस भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे SP-26 एयरक्राफ्ट, जो कि एक FOC स्टैंडर्ड का तेजस होगा, उसमें कंसोलिडेट किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में एयरफ्रेम सेम होने वाला है, यानी कि बाहरी तौर पर दोनों एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इस चीज को समझते हुए LCA तेजस मार्क 1A के लिए प्रोटोटाइप व्हीकल्स नहीं बनाए जाएंगे, और जो LCA तेजस मार्क 1 के लिए LSP वेरिएंट बनाए गए थे, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट, उनका प्रयोग करते हुए इनमें LRUs यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट टेस्ट किए जाएंगे। अलग अलग लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के ऊपर अलग अलग तरीके के LRUs लगाकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और इस तरीके के अप्रोच के कारण साइमल्टेनियस टेस्टिंग हो सकेगी। आपको याद होगा कि एरो इंडिया 2021 के दौरान LSP-3 एयरक्राफ्ट के ऊपर उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार लगाकर उसको डिस्प्ले पर लगाया गया था, और इस समय इसी एयरक्राफ्ट के साथ में उत्तम ईसा रेडार की टेस्टिंग की जा रही है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार को मिलाकर LCA तेजस मार्क 1A में 5 मेजर चेंजेस होंगे। ईसा रेडार के अलावा जो दूसरा चेंज होगा वो होगा इसका ईज ऑफ मेंटेनेंस। LCA तेजस मार्क 1A मेंटेन करने में बहुत ज्यादा आसान होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें ज्यादा LRUs का प्रयोग। LRU का मतलब है लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, और इस तरीके की अप्रोच के कारण जब किसी पार्ट में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसको पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट से निकाल लिया जाता है, और इस LRU के बदले दूसरी LRU को इसमें लगाकर इसको वापस से सर्विस में भेज दिया जाता है। इस तरीके की अप्रोच के कारण एयरक्राफ्ट का डाउन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है, और दोबारा जब उस पार्ट की आवश्यकता पड़ती है तब तक बेस डिपो में इस पार्ट को ओवरहॉल कर लिया जाता है। इस चीज को SP-26 एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए दूसरे मेजर अपग्रेड्स की, तो ये मेजर अपग्रेड इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के साथ में होने वाले हैं। LCA तेजस मार्क 1A को एक इम्प्रूव्ड रेडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और बेहतर कॉकपिट मिलेगा। इसके अलावा LCA तेजस मार्क 1A में इम्प्रूव्ड BVR मिसाइल्स और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होंगी, और ये सारे चेंजेस भी पहले LSP एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट किए जाएंगे, और बाद में इन सारे चेंजेस को एक साथ SP-26 एयरक्राफ्ट के साथ में कंसोलिडेट किया जाएगा। अल्टीमेटली SP-26 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए एक प्रोटोटाइप के तौर पर काम करेगा। हालांकि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट होगा, और ये अल्टीमेटली सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ये केवल प्रोटोटाइप बनकर नहीं रहेगा। और इससे एक और इंडिकेशन मिलती है कि आने वाले समय में जब भारतीय वायुसेना अपने सारे तेजस मार्क 1A रिसीव कर चुकी होगी, तब भारतीय वायुसेना के IOC और FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किए जा सकेंगे। कुछ समय पहले HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर R माधवन की तरफ से कहा गया था कि साल 2022 में LCA तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भरेगा, और इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि LCA तेजस मार्क 1A SP-26 की शक्ल में अपनी पहली उड़ान भरेगा, जिसमें LCA तेजस मार्क 1A में जाने वाले सारे चेंजेस इंक्लूडेड होंगे, और ये एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होगा जिसके बेसिस पर LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अगर LCA तेजस मार्क 1A की पहली फ्लाइट की टाइमिंग को लेकर बात की जाए, यानी कि साल 2022 की बात की जाए, तो इस अप्रोच के हिसाब से ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। और जिस तरीके का अग्रीमेंट तेजस मार्क 1A को लेकर साइन किया गया है, उस हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2024 में शुरू की जानी है, यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट साल 2022 में अपनी पहली उड़ान भरता है तो इसके बेसिक सिस्टम चेक्स 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे, और काफी आसानी से साल 2024 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर दी गई गन कौन सी गन है। ये है ली एनफील्ड 303 गन। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। और अब बात करते हैं आज के क्विज की। स्क्रीन पर दिए गए सिस्टम का नाम बताइए। आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।